जी, सर्कुलर क्यूब को इंप्लीमेंट करने का जो मेथड 3 है उसमें हम क्या करते हैं, हम नेट टेस्ट करते हैं। नेट टेस्ट के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कोड चाहिए किस चीज़ का, पेरेंट क्लास का, जो कि हमारे पास सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, सॉरी। मैंने यहाँ से इसका कोड कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्लास में सर्कुलर क्यूब की और उसको इनहेरिट कर दिया किससे, सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट से कर दिया। क्लास आ गई इसकी एक्सटेंस, और उसके बाद आ गया सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, और ये हो गया हमारे पास स्टेप 2। ओके, अब हमने क्या करना है, स्टेप 3 में हमने कैनक्यू का फंक्शन बनाना है और उसके अंदर हमने एड ऑन टेल का फंक्शन कॉल करना है। ओके, वॉइड पब्लिक वॉइड, सॉरी, एन क्यू इंट डाटा स्टेप 3, और इसके अंदर हमने कॉल कर दिया एड ऑन टेल विद द डाटा इनिट, यस स्टेप 3 ये आ गया। अच्छा जी, फिर डी क्यू का फंक्शन आया और उसमें हमने रिमूव फ्रॉम हेड को कॉल कर दिया। एंट डी क्यू स्टेप 4, और यहाँ पे आ गया रिटर्न, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, रिमूव फ्रॉम हेड आ गया और ये बन गया स्टेप 4 ए, सॉरी। अच्छा जी, लास्ट स्टेप जो है वो हमारे पास प्रिंट क्यू का है, उसमें हमने प्रिंट लिस्ट को कॉल कर देना है, वॉइड प्रिंट पब्लिक वॉइड प्रिंट क्यू स्टेप 5, और यहाँ पे आ गया मेरे पास रेंट, सॉरी लिस्ट का मेथड आ गया। अब हम यहाँ पे जस्ट कोड अपडेट करते हैं, जी एन क्यू आ गया, इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट किया, ये रिमूव कर दिया हमने। डी क्यू आ गया, सॉरी, फिर जी हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके हमने जावा कंपाइलर सेलेक्ट किया, इधर पेस्ट कर दिया और इसको रन कर दिया। तो हमारे पास क्यू के अंदर 13, 25, 46 और 6 आया, और जब हम डी क्यू किया तो हमारे पास 13 निकल गया और 25, 46 और 6 रह गया।